कैनेट्स अभी से लगभग 15 या 10 मिनट पहले आपका इंडियन एयरफोर्स सॉरी इंडियन नेवी का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ। फाइनल रिजल्ट आई मीन कि कैंडिडेट तो खैर ज्वाइनिंग पे जा चुके हैं, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारे फेज सेकंड में कितने मार्क्स आए थे। तो फेज फर्स्ट काफ़ी सारे कैंडिडेट ने पास किया था, लेकिन फेज फर्स्ट में फेज सेकंड में अच्छा कट ऑफ जाना था, और कुछ कैंडिडेट को लग रहा था फेज फर्स्ट में भैया कम कट ऑफ गया है, तभी फेज सेकंड में इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फेज फर्स्ट के बेसिस पर अगर आप प्रिपरेशन करोगे कि फेज फर्स्ट क्लियर करना है, तो फिर भाई सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, कट ऑफ अभी ऑफिशियल ही आया है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। चलो एक दो स्टेट का और भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है। लो यहाँ पे एक दो स्टेट का टेलीग्राम पे मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया, देख सकते हो आप सभी, ठीक है। ऑफिशियली ही है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अग्निवीर SSR 01/2023 बैच, रिसेंटली आप सभी ने जिस बैच का फॉर्म फिल किया है वो 02/2023 का बैच है, और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका कौन सा स्टेट है, बिहार स्टेट का कट ऑफ आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है 55 नंबर वहीं पे। अगर मैं देख लेता हूँ और कौन सा स्टेट है, ऊपर हमें स्टेट मेंशन कर रखा है उड़ीसा, और हमें एक चीज़ यहाँ पे भी मेंशन नहीं करी गई, आई थिंक ये भी आएगी, ठीक है। उड़ीसा का 35 नंबर है, अच्छा वो उसका आई थिंक एमआर का देख लो 35 नंबर है भाई। सेकेंड पेपर में कट ऑफ आई जाने का एक ही रीजन होता है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो लगभग अब 30-40 क्वेश्चन बना भी लेते हो उसके, मतलब 100 में से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लेते हो, उसके बाद 12 की क्वेश्चन में आप तुक्के भी मार देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके तुक्के लग भी जाते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन के बहुत पास पहुँच जाते हो। तो कट ऑफ अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी नहीं हो आ जाइएगा थोड़ी देर बाद। अभी आपको लगभग अगले 20-25 मिनट में आप अपने स्टेट का बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपने देख लिया है, नहीं तो अगले 20 से 25 मिनट में हर एक स्टेट का कटअप आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बिहार 55, यूपी 56, उड़ीसा 50 नंबर SSR का गया है, उड़ीसा से काफ़ी अच्छा खासा कटअप चला गया है, अतः इतना कटअप उड़ीसा जैसे स्टेट का नहीं जाता है। और भी स्टेट का देख लेते हैं यहाँ पे, रुको हमारे पास फेल क्यों दिखा रहा है, और भी स्टेट का देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ कैंडिडेट यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जस्ट। राजस्थान की अगर बात कर लेता है तो 52 नंबर, क्या बात है, राजस्थान से यूपी ने इस बार टॉप मार दिया, ये थोड़ा मतलब अच्छा लगा। यूके का 50 है, ये भी लिख के डाल देते हैं यहाँ पे, यूके का 50 है, और राजस्थान मुझे हरियाणा का जरूर बताओ, ठीक है हरियाणा का जरूर बताओ, राजस्थान 52, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे सभी को इन्फॉर्म करता रहूँगा। डेफिनेटली आप में से जिसने भी फेस सेकंड दिया था, मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि फेस सेकंड के बेसिस पे चीज़ों के प्रिपरेशन करो, फेस फर्स्ट आराम से निकल जाएगा आप सभी का, जीके पे भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे, किसी एक टॉपिक में अच्छा कर लोगे तो डेफिनेटली आपका फेस फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। बट यू शुड फोकस ऑन सेकंड पेपर के बेसिस पे आप सभी को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी के सामने उत्तराखंड का है सामने 50 नंबर कट ऑफ, यूके का गया है, हाँ तो यूके का भी कट ऑफ अच्छा खासा है, 50 नंबर चला गया है, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और भी स्टेट का धीरे धीरे यहाँ पे देख सकते हो, ग्रुप है अंशु सिंह के नाम से, तो आप आके यहाँ पे भी चैट कर सकते हो किसी को अगर डाउट कोई हो रहा हो तो। बाकी इस बार यूपी का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है, और हरियाणा का मुझे देखना होगा, बाकी हरियाणा से आई थिंक आगे कोई भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी को क्रॉस कर सकता है तो हरियाणा कर सकता है, अदरवाइज और कोई स्टेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बिहार 55, यूपी 56 ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज करिएगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।